अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस अभी का सीन कुछ ऐसा है, गाइस गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा वाली, और अभी गाइस छत पर आए हैं, इतनी केड़ी गाइस धूप पड़ रही है ना बहुत ज़्यादा। सो अभी मैंने गाइस नीचे वाले अपने कबूतर वबूतर खोल रखे हैं, देख लो। और गाइस बहुत ज़्यादा देखो केड़ी जो है धूप निकली हुई है, देखा भी नहीं जा रहा आसमान की तरफ। और यहाँ पर आते हैं तो अपनी ये वाली मुर्गी देखो फिर रही है, और दो मतलब कल्लो मुर्गी और अपना टाइगर जो है वो नहीं दिख रहा है। तो अभी इधर ही चेक कर लेते हैं, केज में भी नहीं है वो, पता नहीं किधर है। तो अभी चलते हैं और देखते हैं गाइस क्या सीन है, मुझे लगता है इधर होंगे वे। वो देखो गाइस टाइगर ये रहा अपना, और ये रही अपनी कल्लो मुर्गी। गाइस ये ना सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है यार, तो मुझे लगता है गाइस काफ़ी दिनों के बाद ये अंडा देने वाली है यार। तकरीबन गाइस इसको ना बहुत दिन हो गए, लगभग गाइस 10 या 15 दिन हो गए होंगे इसने कोई अंडा नहीं दिया, और अपनी वो वाली मुर्गी ने भी कोई अंडा नहीं दिया। तो गाइस अब ये बहुत ज़्यादा सुबह से बोल रही थी और अपना मुंह भी खोल रही थी, अभी भी जस्ट इसने खोल रखा है अपना मुंह, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये देखो। तो गाइस मुझे यही लगता है ये ना एक अंडा देने वाली है अभी, और शायद इसने अभी नहीं दिया और ये इसकी रखवाली कर रहा है। तो ये अभी मुझे कुछ नहीं कह रहा क्योंकि मैं इसका मालिक हूँ। तो अभी चलते हैं भाई इनसे दूर, और अभी फाइनली अपने चारों जो पिजन है ना अच्छे तरीके से जो है बैठे हुए हैं। तो अभी यार मैंने ऊपर वाले जो कबूतर है वो जाल के अंदर खोल रखे हैं, अभी चलते हैं ऊपर और आपसी भाइयों को भी दिखाते हैं, देखते हैं भाई कबूतर खोलने हैं या फिर नहीं, या अंदर ही दाना पानी डाल देना है, बहुत गर्मी पड़ रही है गाइस। तो अभी गाइस छत पर भी मैं आ चुका हूँ, ये देखो गाइस फाइनली आकर गाइस मैंने ना अपने जाल के अंदर कबूतर खोल दिए थे, ये देखो सभी कबूतर जाल के अंदर है, और इधर वाले इधर है कुछ कबूतर। और भाई यार गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा वाली यार भाई, उधर देखो यार कबूतर फाइट कर रहे हैं, शायद आवाज़ आ रही है यार मुझे, मैं जाल के अंदर आ चुका हूँ। और देख लेते हैं भाई फाइट तो नहीं कर रहे, अपना ब्रीडिंग सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा प्यारा चल रहा है, और कबूतर आराम से अपने जाल वाल के अंदर घूम रहे हैं, अपना चपड़ा कबूतर एकदम रिलैक्स देखो बढ़िया फेर रहा है, और अपने कबूतर माशाल्लाह से हरी पट्टी और सब बेहतरीन फिर रहे हैं। देखो कुछ अंदर भी बैठे हुए, सो बहुत बढ़िया यार सीन चल रहा है। चलो यार कबूतर खोलने भी यही खोल लेते हैं अपने कबूतर, कोई बात नहीं यार गर्मी वर्मी देखी जाएगी, अब खोलते हैं अपने कबूतर। और आपसे भाइयों को भी आज के व्लॉग में मज़ा आएगा क्योंकि मज़ा करवाते हैं यार कबूतर खोल के, और आपका भी थोड़ा सा दिल लग जाएगा गाइस कबूतरों में। खोल लेते अपने सारे कबूतर हाई फ्लायर, ये देखो माशाल्लाह से आ रहे हैं सारे कबूतर, पानी इनको रखा हुआ है क्योंकि मैंने अंदर रखने के लिए रखा था, और गर्मी इतनी हो रही है। देखो सारे कबूतर अपने पर निकाल रहे हैं, ये उड़ते उड़ते हुए जा रहे हैं गाइस, कितने ज़्यादा पर उड़ रहे हैं कि गर्मी हो रही है ना गाइस, कबूतर अपने पुराने पर जो है निकाल रहे हैं, और इन्होंने यार अब की बार भी अपने अंडे जो है ख़राब कर दिए, तो ये दोबारा जो है मादिन अंडों पर आ रही है गाइस। बाकी कबूतर माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा प्यार हो रहे हैं, कोई कबूतर का बीमार नहीं है, दो कबूतर जो अपने बीमार थे वो अपने मद्रासियों के साथ नीचे रखे हुए हैं, बाकी सारे कबूतर गाइस एकदम फिट फाट एकदम एक्टिव अपने सारे पिजन हैं, फिरते रहते हैं देख लो। और गाइस अपनी घर की पट्टी ने जो गाइस मैंने आपसे बताया ही था कल के व्लॉग में कि अंडों पर आ रही है, तो माशाल्लाह से एक अंडा इसने दे दिया है, और चलो बहुत ज़्यादा बढ़िया सीन है कि अपने ब्रीडिंग सेटअप में एग्स आ रहे हैं। और गाइस अभी आ चुका है एक न्यू कबूतर, आया गाइस ब्लैक कबूतर है, तो अभी मैं अपने कबूतर की फड़का रहा हूँ, आया भाई आया ये जा रहा भाई ब्लैक कबूतर एकदम, आ गया आ गया आ गया आ गया, आया तो है गाइस, अब देखते हैं कहाँ है कहाँ चला गया, वो चला गया यार भाई ब्लैक कबूतर आ गया। ओ भाई यार पूरी बैठती बैठती कबूतरी यार जा चुकी है बहुत दूर, बहुत यार शानदार पट्टी लग रही थी मुझे, एकदम काली थी, जीरन बोलते हैं हमारी तरफ तो, और यार चली गई यार अचानक से गाइस। यार व्लॉग में पिजन आ चुका था और गाइस बैठ ही जाता था, मैंने तो सोचा गाइस बैठ जाएगा, जस्ट इधर से आ रहा था वो सामने से, तो मैंने सोचा गाइस आ जाएगा, अपने कबूतर वबूतर मैंने फड़का है, मगर गाइस आपसे भाइयों के सामने वो लाइफ सीधी चली गई, फिर उधर से गाइस वो उधर चली गई गाइस जंगलों की तरफ, तो क्या पता गाइस घूम फिर के दोबारा भी आ जाए, मगर अभी गाइस कोई सीन नहीं लग रहा मुझे आने का, तो मुझे नहीं लगता वो आएगी। तो अपना व्लॉग यार कंटिन्यू रखते हम, गेट मैंने जो बंद कर दिए थे उस कबूतर के चक्कर में, कबूतर बहुत बेहतरीन था यार, ये वाला गेट भी खोल देते हैं, बस गाइस थोड़ी सी अच्छी नस्ल का कबूतर था वो, नहीं तो इस टाइम जैसे ये इधर से आ रहा था मैंने कबूतर फड़कड़ाए तो कबूतर को देखते ही गाइस बैठ जाता, इतनी नीचे था, मगर गाइस कबूतर बहुत ज़्यादा प्यारी नस्ल का था, उसने कबूतर नहीं देखे,
छिद्दा बैठने गया वो हर कबूतर का ही, जो अच्छा कबूतर होगा वो जल्दी से कबूतर में नहीं बैठेगा, कबूतरों से अलग बैठेगा, तो वो सीधा निकल गया फिर जंगलों में को निकल गया गाइस। उसको फिर हमारी छत नहीं चमकी। चलो कोई बात नहीं, अपने लोग कंटिन्यू करते हैं। बाकी ये देखो यार, कबूतर अपने बढ़िया तरीके से फिरने लगे हैं, तो अभी यार इनके लिए दाना लेकर आ जाते हैं। बहुत टाइम हो गया यार इनका दाने का। कहाँ भाई यार, कहाँ उड़ रहे हो? देखो सारे पिजन उड़ गए यार। यार इधर जब भी हमारे पिजन आए ना उड़े ही हैं, और इस फीमेल ने दिया है वो जो अंडा दिया है। ओहो अपने दो पिजन जो है उड़ चुके हैं गाइस। तो यार पहले तो इनको ही बिठाना बनता है ना, क्योंकि गाइस उड़ जाएंगे ये आसमानों में। तो दो उड़ चुके हैं। चलो ऐसे तो ये बैठेंगे नहीं, पहले दाने ही लेकर आ जाते हैं और फिर इनको दाना वाना खिलाते हैं तो बैठ जाएँ इंशाल्लाह ताला। तो चलते हैं भाई अभी नीचे गाइस, जल्दी चलो भाई। अभी ये देखो ये काली वाली अपनी जो मुर्गी है ना, ये यहाँ पर आ गई। ये देने गाइस अंडा ही वाली है, मुझे पता है। तो यहाँ से दाना ले लेते हैं, इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अपनी काली मुर्गी गाइस हमारे यहाँ पर बचपन से पली हुई है, तो ये इतना डरती नहीं है, बाकी ये बहुत ज़्यादा डरता है। देख लेते भाई, अंडा दे तो नहीं दिया अभी तक गाइस, कुछ भी नहीं दिया। और उधर भी एक बार चेक कर लेते, उधर भी देखो बस खाला बना हुआ है। तो गाइस यार ये खुद ही अंडा दे देगी। बाकी अभी हम चलते हैं ऊपर जल्दी से और अपने पिजन को जो है दाना डाल देते हैं। चलो 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 चलो, ये गाइस आ चुका हूँ मैं और दाना डालते हैं। शायद दोनों कबूतर बैठ गए अपने, आह आह सी बैठ चुके हैं गाइस दोनों कबूतर अपने पहले ही ऑलरेडी। चलो अच्छा है यार बैठ गए, तो इनको दाना वाना खिला देते हैं हम लोग। लो भाई यार दाना खाओ। देखो गाइस मैंने दाना इनको डाल दिया है, अभी इस डब्बे को यहाँ पर सेफ रख देते हैं। और माशाल्लाह से अपने पिजन देखो बढ़िया तरीके से दाना खा रहे हैं, देख सकते हो आप। और ये मको कबूतर गाइस अब भी थोड़ी थोड़ी हेयर कर रहा है, बाकी ये रिकवर हो जाएगा। चपड़े कबूतर चलो दाना खाओ। बहुत बेहतरीन कबूतर पकड़ में आया गाइस अब की बार हमारे पास, बहुत बढ़िया है। और माशाल्लाह 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 गाइस माशाल्लाह ज़रूर लगाएं। पिजन अपने बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं चुगते हुए भी, माशाल्लाह एकदम बढ़िया यार। पिजन अपने दाना खा रहे हैं और फिर अपने अंडों अंडों पर चले जाएंगे। और ये गाइस एकदम बढ़िया बात है कि अपने सेटअप पर गाइस ब्रीडिंग सेटअप में बहुत ज़्यादा अंडे आ रहे हैं, बाकी यहाँ नहीं है गाइस। तो हमने गाइस अब की बार जैसा सोचा था ना कि हम अपने ब्रीडिंग सेटअप में अपने बच्चे जो है कराएँगे कबूतर के, तो वहीं हो रहे हैं माशाल्लाह से। हमने वहाँ पर पेठियाँ भी रख रखी थी और यहाँ पर एकदम खाली है। तो बस यार माशाल्लाह से हमारे ना जिन जिन जोड़ों के बच्चे नहीं हो रहे गाइस, उनके यार एक या दो दो तो बच्चे हो ही जाए यार, बहुत बढ़िया सीन जो है हो जाए। यहाँ पर देखो गाइस ये किस चीज़ का पर है भाई, शायद अपने मुर्गों का तो नहीं है यार, पता नहीं किस चीज़ का है। ईगल का तो लग रहा है मुझे, ईगल का भी हो सकता है ये। मतलब यार सुबह सुबह ना अपनी छत पर ईगल बैठती होंगी जब ये देखो पर जो है पड़ा हुआ है। तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं, वो गया गाइस नीचे, वो नीचे चला गया गाइस, एकदम नीचे गया गाइस। अभी गाइस चलते हैं अपने हम ब्रीडिंग सेटअप से नेक्स्ट वाले सेटअप में, जिसको मैं अपनी धामड़ी बोलता हूँ। तो उसके अंदर गाइस मैंने अपना एक एग्स जो है चेंज करा था, और बहुत ही यार मेन वो एग है, मतलब कि बहुत प्यारा अंडा है। किसी और ललसीरे पेड़ का वो जो है अंडा एक बचा हुआ है, तो यार इंशाल्लाह हो जाएगा इस कैसे ना कैसे करके बच्चा। तो गाइस अभी हम चलते हैं गाइस चुपचाप और चेक करते हैं भाई आराम से जाकर। ये देखो गाइस यार ये पहले निकल जाती है मेरी भनक सुनकर, बाकी अभी देखते हैं अंडा गर्म हो रहा है क्या। हाँ गाइस गर्म हो रहा है अंडा, तो ये जो है अंडे को सेक रही होगी। तो कोई बात नहीं यार हम इसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। सो गाइस यार ये था हमारा व्लॉग, अगर पसंद आया हो तो यार एक लाइक ज़रूर कर देना, और यार बस लाइक ज़रूर कर देना दिल से। और अगर हमारे चैनल पर नहीं हो तो यार सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलता है आपसे कोई और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।